नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्य विसर्जन में। तो दोस्तों, आज हम 22 जुलाई की करंट अफेयर जितने भी हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो और बता दें सर कि जो आप मेरी पिछली वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से भी अगर 20 जुलाई, 21 जुलाई और 19 जुलाई की जितनी भी पिछली वीडियो आपने पिछली करंट अफेयर जितने भी नहीं देखे होंगे आप जाके वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे चल रहे देखिए उसके नीचे एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो की अपडेटेड हो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया? किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया? तो जो पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, किसने? यूएई ने जो है पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया। और बता दें कि जो अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो अमेरिका है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है, और करेंसी अमेरिकी डॉलर, और इसके जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी का नाम है नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक नदी किनारे की स्थित है, और अमेरिका की जो सांसद का नाम है वो कांग्रेस है, और मिसौरी नदी यूएसए की जो है सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हंगरी ग्रांड प्रिक्स जो 2020 का आयोजन हुआ था उसमें किसने विजेता के पद पर जीता? तो जो लुइस हैमिल्टन ने जो है हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 में जो है विजेता पर है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं लुइस हैमिल्टन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। और बता दें कि जो टॉप थ्री नाम जो उसमें रहे, पहले स्थान पर जो है आपका मास्टिज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, और जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं दूसरे स्थान पर रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन, और जो है बेल्जियम के हैं और मर्सिडीज के जो वाल्टेरी बोटास है फिनलैंड तीसरे स्थान पर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व शतरंज दिवस वो 20 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया है? 20 जुलाई को जो है विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जो अनुसूचित जनजातियों को जो के लिए जो है नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो जो नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है तो आपका उत्तर प्रदेश की जो है राज्य सरकार ने जो है अनुसूचित जातियों के लिए जो है नवीन रोजगार छतरी योजना जो है शुरू की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक के जो विमोचन करता है वो कौन है? तो जो स्टीव वॉ जी ने जो है द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहे हैं स्टीव वॉ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की, या किस देश के हैं? तो जो फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने जो रिटायरमेंट की घोषणा की वो जर्मनी देश के हैं। किस देश के हैं? जर्मनी देश के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए देख लीजिए जर्मनी के बारे में कुछ देख लीजिए। जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी बर्लिन तथा जो करेंसी है यूरो, और इसके जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइन मेयर जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं इनके निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं प्रवीण सिद्धार्थ जी जो हैं रामनाथ कोविंद के जो है निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई?
तो जो तमिलनाडु राज्य है, आपका तमिलनाडु राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की जो है स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तमिलनाडु राज्य है इसकी राजधानी आपको पता होगा कि चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तथा जो यहाँ के मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी और ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेन्द्र कड़म पार्टी से जो है मुख्यमंत्री बने हैं। और बता दें कि जो यहाँ के गवर्नर हैं ये बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, और उच्च न्यायालय के जो नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। और बता दें कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप साई जी, तमिलनाडु के तीन पड़ोसी राज्य जो केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। और बता दें कि जो तमिलनाडु है यहाँ की लोकसभा की सीटें 39 हैं और जो राज्यसभा की 18 तथा विधानसभा की 234 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय मूल की किस लड़की ने अपना नाम दर्ज कराया? तो जो समृद्धि कालिया, जो आपको फिगर में देख रहे हैं समृद्धि कालिया जी, इन्होंने वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है भारतीय मूल की किस लड़की ने अपना नाम दर्ज कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ये भारतीय मूल की समृद्धि कालिका ने दुबई में एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट में योग के 100 पोज देकर जो है इतिहास रच दिया। 3 मिनट में योग के जो है 100 पोज देकर जो है इतिहास रच दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने जो है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो ICAT है, इसने जो है ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है लॉन्च किया। जो इस पोर्टल का जो है मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग की आत्मनिर्भर बनाने की सुविधा प्रदान करता है। और बता दें कि जो ICAT है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव जो है टेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और जो मुख्यालय यहाँ क्या गुरुग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? तो जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा की जो है आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की जो है घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जो भारत को किस आय के वर्ग के जो है समूह में रखा गया? तो निम्न मध्यम जो है, निम्न मध्यम वर्ग के समूह में जो है विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार रखा गया भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाँ देख लीजिए कुछ कि विश्व बैंक जो है स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुआ और जो इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC और इसके जो MD और CFO हैं वो अंशुला कांत हैं और अध्यक्ष जो है डेविल माल पास जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो हरियाणा राज्य की सरकार है, इसने बोतल बंद मिनरल जो है पेय जल संयंत्र जो है स्थापित करने की घोषणा की है। और बता दें कि जो इस संयंत्र से बोतल बंद मिनरल वाटर जो सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। और हरियाणा के राज्य के बारे में कुछ जान लीजिए। जो हरियाणा राज्य है इसकी राजधानी चंडीगढ़। और बता दें कि जो मनोहर लाल पारिकर खट्टर हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो BJP पार्टी से हैं, और सत्यदेव नारायण आर्य जी गवर्नर या राज्यपाल हैं, और मुख्य न्यायाधीश जो है रविशंकर झा, और इसके 4 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। और बता दें कि जो यहाँ की लोकसभा की सीटें 10 हैं और राज्यसभा की 5 और जो विधानसभा की सीटें 90 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा रहा? तो जो पैगोलियन है, पैगोलियन ये आपका जो है वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी जीव रहा कौन? पैगोलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो पैगोलियन है ये आपका विश्व स्तर पर जो है तस्करी किया जाने वाला जीव रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की जो सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जुड़ने की जो है घोषणा की है? तो 2023 तक की है। कब तक की है? 2023 तक जो है रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जुड़ने की जो है घोषणा की है। और जैसा कि आप आगे जान लीजिए रेल
से कुछ संबंधित क्वेश्चन। तो जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, और यहाँ के जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, और यहाँ के जो रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है विनोद कुमार यादव जी हैं, और RPFS से निम्न अधीनस्थ जो हैं अरुण कुमार जी हैं, जो रेलवे की जो है रेलवे पुलिस फोर्स है स्टाफ, उसके जो महानिदेशक हैं वो अरुण कुमार जी, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई जी हैं। तो आज के लिए इतना ही रहा, और आज का हमारा जो टेस्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, और इसका जो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्यों मैंने ये सब क्वेश्चन को जो है पढ़ा हुआ ये आपको टेस्ट करने के लिए देता हूं। तो जो क्वेश्चन है, श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से MD और CEO बने हैं? आपका चार ऑप्शन है, USO बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और PNB बैंक। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें सर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को, वीडियो के नीचे चल रहे जो है लाल बटन दिखाई दे रहा होगा उस पर आप क्लिक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जो है कम से कम 12 दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में के लिए, तब तक।